हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति। स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बॉटनी की स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं वो प्रोकैरियोट्स में पढ़े जाते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। इसके पहले की क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल स्टडी में उसकी स्ट्रक्चर और उसके इंटरनल ऑर्गेन की स्टडी कर चुके हैं। आज हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल में हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, ठीक, कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जो कि इसका सेडिमेंटेशन कोफिशियंट होता है यस, और 80S मींस इसका स्विजबर्ग यूनिट है, जो कि इसके मास और डेंसिटी के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें सेल के अंदर के पार्ट को देखना हो, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना हो, तो उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ही ह्यूमन आरबीसी की स्टडी हुई और सेल मेम्ब्रेन को देखा गया, जिसमें कि प्रोटीन पार्ट 52% और लिपिड पार्ट 40% पाया जाता है, ठीक। आज हम सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल फॉस्फेट और फैटी एसिड से बना होता है, ठीक। जो फॉस्फेट पार्ट इसका होता है वो वाटर लविंग होता है, जो फैटी एसिड जो कि लिपिड का पार्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी वाटर हीटिंग होती है, वो वाटर से हीट करता है, वो पानी से बचना चाहता है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का बना, ठीक, जिसमें फॉस्फेट पार्ट जो है वो बाहर की तरफ लगाया गया, जिससे कि क्योंकि बाहर यहाँ पे पानी भरा होता है सेल के, तो ये जो है वाटर हीटिंग कैपेसिटी है इसकी, इसकी टेल की, इसीलिए इसको अंदर रखा गया और इसको फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बनाया गया, ठीक। इसे एम्पीपैथिक कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फेट और लिपिड दोनों पाया जाता है। अब सेल में किस तरह से डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे दो तरह का, सेल में ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की जरूरत होती है, उसमें एनर्जी लगती है, ठीक, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो स्वतः ही होता है, उसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस, ठीक। हाँ सॉरी, देखिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक, तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये भी दो तरह का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक। आगे हम देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। okay.
मान लीजिए सेल के बाहर बहुत सारा पानी भरा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक। बहुत थोड़ा सा वाटर इस जो फॉस्फेट और लिपिड का बायलेयर है इसके बीच से धीरे धीरे रिसता हुआ अंदर आ सकता है, लेकिन अगर हमें वाटर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो ये इसके बीच से नहीं आ सकता, ठीक। जो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक। ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो हमने पढ़ा, दो तरह का डिफ्यूजन होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक। तो ये सिंपल डिफ्यूजन है। अगर हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराना है उसमें भी किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उसमें चैनल के माध्यम से डिफ्यूजन होता है, ठीक। जैसा कि यहाँ पे आप चैनल देख रहे हैं बनाया गया, ये प्रोटीन का चैनल है, ठीक। इसके बीच से वाटर आता है, ठीक, तो इसमें भी किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। मान लीजिए आप जैसा कि जानते हैं कि सेल के बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सेल के अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, सेल के बाहर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक। अगर आपको सेल के अंदर से सेल के बाहर सोडियम भेजना है तो आपको एटीपी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक। मान लीजिए ये आपको सोडियम बाहर भेजना है विदाउट एनी एटीपी यूज किए, तो आप इस चैनल के माध्यम से भेजेंगे, इसमें चैनल बना होता है, ठीक। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट में किसी प्रकार के एटीपी यूज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक। अब ग्लूकोज को अंदर आना है तो इसके लिए ये कैरियर प्रोटीन होते हैं, ठीक, जो ग्लूकोज को कैरी करते हैं और ये इस तरह फिर इसका ये मूव कर जाते हैं, फिर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट अंदर हो जाता है, ठीक। आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा, उसमें एटीपी यूज करने की जरूरत होती है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का प्रोसेस है जो कि जिसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है। सेल के बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होता है जो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है, हमारे केस में नहीं क्योंकि हम तो होम्योथर्म्स हैं, ह्यूमन के केस में नहीं। मान लीजिए कोई जीव जंतु है लाइक रेप्टाइल्स, तो उसमें अगर ऐसा नहीं होगा तो वो तो जम जाएगा, ठीक। इसके लिए उसके बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। बहुत ज्यादा अगर गर्मी है, 37 डिग्री हीट है, तो उसमें वो जो सेल का ये मेम्ब्रेन है, जो सेल का ये मेम्ब्रेन है उसको ये स्टिफ बनाएगा, इसको स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा, इसके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक। लेकिन मान लीजिए 10 डिग्री कोल्ड है तो सेल क्या करेगा, बहुत ज्यादा स्टिफ होगा, तो उसको ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा, कोलेस्ट्रॉल का ये काम होता है, ठीक। ये कोलेस्ट्रॉल है, इसके बेस में पाया जाता है, ठीक। ये दो तरह के फैटी एसिड से बना होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल है ये जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो इसको स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा, इसको थोड़ा टाइट करेगा,
जब बहुत ज्यादा कोल्ड होगा तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेगा। ठीक, ये किंक है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो आपने पढ़ा कि सेल में किस तरह से डिफ्यूजन होता है, ठीक, किस तरह से सिंपल डिफ्यूजन होता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड और सिंपल टाइप का डिफ्यूजन होता है, जैसा ऑस्मोसिस कैसे होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे एक पोरिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, जिसे H2O मूव करता है अंदर की तरफ। इसके लिए एक स्पेशल चैनल होता है। ये चैनल प्रोटीन्स हैं लगे हुए हैं जिसके इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के आयंस का। ठीक, अब आगे हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल में हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके बीच में ऐसे पोर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक, इसके बीच का जो ये स्पेस है इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स के केस में आपने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम है उसके बाहर कोई एनवेलप नहीं है, क्रोमोसोम ऐसे खुला पड़ा हुआ है जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक, यूकैरियोट्स के केस में क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जो कि लीनियर होता है। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका कॉन्टिन्यूएशन न्यूक्लियस से ही है। ठीक, न्यूक्लियस के आउटर वॉल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्टिन्यूएशन होता है। ठीक, इसके आउटर वॉल से ही ये लगी होती है। ओके, इसके बाद से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे ये गॉल्जी बॉडी होती है। ठीक, यहाँ राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने के बाद उसके इंटरनल जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है इसकी स्टडी करेंगे। ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस कैसा होता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ये डिसाइड करता है सेल के अंदर जितनी भी क्रियाएं होंगी उसको डिसाइड करने वाला न्यूक्लियस ही है। ठीक, अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये इससे जो कॉन्टिन्यूएशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका क्या काम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक कुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम लगे हुए हैं जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए हैं। न्यूक्लियस के बाहर भी राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक, प्रोटीन का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। ठीक, इसको ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियस के जस्ट पास में गॉल्जी बॉडी लगा होता है ऐसे,
बैग किए हुए। गॉल्जी बॉडी में पैकेजिंग होता है जो प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसके पास आते हैं और इससे ये सेल के बाहर निकलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, उसके बाद से ये गॉल्जी एपरेटस को सेंड करता है। गॉल्जी एपरेटस जो है उसको मॉडिफाई करता है, उसकी पैकेजिंग करता है और वो उसके बाद से इसको वेसिकल्स के रूप में इसको बाहर निकालता है सेल के बाहर, फिर ये चले जाते हैं। ठीक, जैसा कि लिखा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट टू गॉल्जी एपरेटस। ठीक, ये गॉल्जी एपरेटस को ट्रांसपोर्ट करता है जो कि प्रोटीन ये बनाता है। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड फॉर्म करता है लाइक ऑयल, वैक्सेस, स्टेरॉइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपने फॉस्फेट पढ़ा उसका भी फॉर्मेशन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगर ये ना रहे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जो भी आप ड्रग लेते हैं, जो भी आप मेडिसिन खाते हैं या आप ड्रिंक करते हैं, आप शराब पीते हैं, उसको भी डिटॉक्सिफाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ठीक, ये लिवर में पाया जाता है। मान लीजिए आपका लिवर जो है वही, आप जो भी दवाएं लेते हैं, आप जो भी ड्रग लेते हैं, जो भी आप हार्मफुल सब्सटेंसेस भी खाते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम आपका लिवर करता है। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये मान लीजिए आपने ड्रग लिया, ठीक, इसको ये ओएस से जोड़ देगा। ठीक, जिससे ये यूरिन के थ्रू पास हो सके बॉडी से। ठीक, ये यूरिन के थ्रू बॉडी से पास हो सके, इसके लिए आप का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वर्क करता है। ये इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। मान लीजिए आप कोई मेडिसिन लेते हैं वो बॉडी से बाहर ही नहीं जाता है। आप देखते होंगे जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनको और पीना पड़ता है, क्योंकि उनका SER बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, वो जितना ड्रिंक करते हैं लीवर को उतना ही ज्यादा डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डेवलप हो जाता है। क्या होता है कि वो दवाएं भी लेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब वो दवा लेंगे बॉडी को क्या पता है कि आप दवा ले रहे हैं, फिर वो दवा को भी डिटॉक्सिफाई कर देगा। ठीक, इसीलिए जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं वो लंबे समय तक बीमार रह सकते हैं। उनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उनके अगेंस्ट वर्क करने लगेगा, इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जिसको हम एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जैसा कि मैंने बताया कि लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है जिससे उसका SER डेवलप हो जाता है और बॉडी से उसको निकालने के चक्कर में वो मेडिसिन जो हमें बीमारियों में हम लेते हैं उसको भी वो जल्दी से डिटॉक्सिफाई कर देगा, वो बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। ठीक, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। जैसे कुछ स्टेरॉयडल प्रॉपर्टी के हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा जितने भी गोनेडल और हॉर्मोन्स होते हैं लाइक प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल हॉर्मोन्स होता है, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजेन जो कि फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, ये सभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। ठीक, तो आपने पढ़ा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, आपने ये पढ़ा कि गॉल्जी एपरेटस का काम क्या है। ठीक,
इसी के क्रम में मैं आपको बताती हूँ कि गॉल्जी एपरेटस एक और काम करता है, ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, जिसको हम सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक, सुसाइडल बैग। ये क्या करता है लाइसोसोम, ये इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं, इसका पीएच बहुत एसिडिक होता है। ये बहुत एसिडिक होता है। मान लीजिए कोई सेल है, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो ये इसका काम क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है इससे जाके, ये लाइसोसोम ही है, सॉरी, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे जा करके ये अटैच हो जाएगा, इसको कवर कर देगा, उसके बाद से ये फूट जाएगा, ये अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो छोड़ देगा, जिससे ये सेल डेड कर जाएगा, ठीक। ये ऐसा तब करता है जब सेल अच्छे से कार्य नहीं करता है। मान लीजिए किसी बैक्टीरिया का अटैक हो गया आपके ऊपर, तो ये लाइसोसोम जो है जाकर के उस बैक्टीरिया से जुड़ जाएगा, फिर अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है इसके ऊपर छोड़ेगा, खुद भी डेड हो जाएगा और बैक्टीरिया को भी ये डेड कर देगा। इसी के साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है, आगे की क्लास में हम बॉटनी कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।